हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लिस एंड ब्लूम्स। आज आपसे ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रेग्रेंट फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं और जो गार्डन को महका देते हैं। तो इनमें सबसे पहला प्लांट है कुंदा, और ये जैस्मिन की वैरायटी है। इसमें एक ही स्टेम पर ढेरों फ्लावर्स खिलते हैं और ये लेट विंटर से ले करके और पूरे स्प्रिंग इसमें फ्लावर्स खिले ही रहते हैं। और ये है जूही, ये भी जैस्मिन की वैरायटी है और इसमें भी बहुत भर भर के फ्लावर्स आते हैं और सेंटेड फ्लावर्स होते हैं, उनमें खुशबू होती है। तो ये भी गार्डन को महका देते हैं और इनको आप इजीली पॉट में लगा सकते हैं। और ये है मधुमालती, और इसको रंगून क्रीपर भी कहते हैं। ये क्रीपर है तो इसमें आप इसको कहीं भी पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको ज़मीन में भी दे सकते हैं। तो ये ऊपर की तरफ थ्रो करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर ये है ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी, ये भी जैस्मिन की ही वैरायटी है, लेकिन इसमें इसका फ्लावर बहुत ही बड़े साइज़ का होता है। जैस्मिन मोगरा से काफ़ी बड़ा फ्लावर इसमें खिलता है और ये भी फ्रेग्रेंट फ्लावर है। फिर ये है ब्रह्म कमल, ये एक सक्कुलेंट प्लांट है और इसमें खुशबूदार फ्लावर आता है, बहुत ही बड़ा साइज़ का फ्लावर इसमें खिलता है। और ये बारिशों के बाद से लेकर सर्दियों तक इसमें फ्लावर्स आते हैं। फिर ये है हार सिंगार भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें ड्वार्फ वैरायटी भी आती है और ट्री साइज़ भी आता है। तो आप यदि पॉट में लगाना चाहते हैं तो फिर ड्वार्फ वैरायटी लेना चाहिए आपको। और ये अक्टूबर और नवंबर में इसके फ्लावर्स खिलते हैं और इतने भर भर के फ्लावर्स इसमें आते हैं कि पूरे गार्डन को महका देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको अक्टूबर प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसमें अक्टूबर से लेकर नवंबर तक फ्लावर जो है खिले ही रहते हैं। फिर ये है चमेली, और चमेली भी जैस्मिन की ही एक वैरायटी है और इसमें भी खुशबूदार फ्लावर्स आते हैं। वाइट चमेली में तो खुशबूदार सेंटेड फ्लावर्स होते हैं, पर येलो चमेली में मैंने नहीं देखा कि इसमें फ्रेग्रेंस होती है। फिर है ये मधुकामिनी, और मधुकामिनी भी एक फ्रेग्रेंट प्लांट है। इसमें एक ड्वार्फ वैरायटी आती है और एक ट्री वैरायटी भी आती है। तो दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लांट हैं और उसमें दोनों में ही भर भर के फूल आते हैं और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। फिर है ये हनी सकल में भी ढेरों फ्लावर्स आते हैं और ये एक वाइन की तरह, ये भी एक क्रीपर है, वाइन की तरह चलता है ये, और इसमें भी खुशबू आती है, खुशबूदार फ्लावर्स आते हैं और ये बीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। फिर है ये चंपा, ये जो नॉर्मल वैरायटी चंपा की होती है वो है, और इसमें भी मिनी मिनी खुशबू होती है और ये इजीली लग जाता है और इसमें बंचेज में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ढेरों फ्लावर्स इसमें स्प्रिंग में और समर में खिलते हैं। फिर ये है गंधराज, जैसा कि इसका नाम है गंधराज, तो ये भी एक फ्रेग्रेंट प्लांट है और इसमें भी थोड़ा बड़े साइज़ का फ्लावर इसमें खिलता है, गुलाब के साइज़ का, और ये भी खुशबू बिखेरता है गार्डन में। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक वाइट और एक येल्लो। फिर है ये दिन का राजा में भी ढेरों फ्लावर्स आते हैं, पर ये दिन में फ्लावरिंग करता है और उसमें खुशबूदार फ्लावर्स आते हैं। और जैसे कि रात की रानी में रात में फ्लावर्स खिलते हैं, दिन का राजा में दिन में फ्लावर्स खिलते हैं और खुशबू बिखेरते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। फिर है ये रजनीगंधा को आप ट्यूब रोज के नाम से भी जानते होंगे। इसमें ट्यूबर्स होते हैं जिनको आप ईज़िली पॉट में लगा करके और ग्रो कर सकते हैं। इसमें बड़े बड़े स्टॉक्स निकलते हैं, उनमें बंचेज में फ्लावर्स आते हैं। फिर ये चाइना डॉल, और
चाइना डॉल को रेड मचीरा भी कहते हैं। ये इंडोर फ्लावरिंग प्लांट है, इंडोर में भी आप इसको रख सकते हैं और इसमें भी बंच में फ्लावर्स आते हैं और इसमें भी हल्की सी फ्रेगरेंस होती है और ये बहुत अच्छा प्लांट है। और ये है स्टार मोगरा, और मोगरा में एक वैरायटी आती है, इसमें गोल पेटल्स होते हैं, मल्टी पेटल, और ये है स्टार की तरह पेटल्स होते हैं इसके, इसलिए इसको स्टार मोगरा कहते हैं। और ये भी बराबर फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। ये है गोल्डन गंधराज, गंधराज में वाइट गंधराज थोड़ा सा ट्रिकी होता है चलाने में, पर येलो वाला गंधराज उससे चलाने में इजी है। और ये भी एक फ्रेग्रेंट प्लांट है, इसमें भी खुशबू आती है और फ्लावर्स इसमें भी आते रहते हैं। और ये है रात की रानी, रात की रानी में रात में फ्लावर्स खिलते हैं और खुशबू आती है उनसे, और ये बंच में फ्लावर्स आते हैं। और ये इजी टू ग्रो प्लांट है, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसमें रात में ही फ्लावरिंग होती है। और ये है क्लेमेटिस, या फिर इसको आप रंजाई के नाम से भी जानते होंगे, इसमें भी बंच में फ्लावर्स आते हैं, इसमें पत्तों से ज़्यादा फ्लावर्स दिखाई देते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो सीड के द्वारा भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फिर है ये स्वर्ण चंपा, स्वर्ण चंपा चंपा की वैरायटी है और ये येलो चंपा के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन चंपा भी कहते हैं इसको। और इसमें वाइट चंपा से ज़्यादा इसमें खुशबू होती है और उससे ज़्यादा ये खुशबूदार प्लांट है। फिर है ये मेडागास्कर जैस्मिन, ये भी एक जैस्मिन की ही वैरायटी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है चलाने में, पर यदि वेल ड्रेन सॉइल में इसको लगाएंगे तो फिर ये अच्छा चलेगा। इसमें भी ऐसे ही बंचेज में फ्लावर्स आते हैं और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ये होते हैं। फिर है ये स्नोफ्लेक बुश, और इसमें स्नो की तरह फ्लावर्स दिखाई देते हैं और ये भी बंचेज में फ्लावर्स आते हैं, जैसे पॉइंसेटिया में फ्लावर्स आते हैं, पत्ते दिखाई देते हैं, वैसे ही ये भी उसी तरीके से दिखाई देता है। और ये है स्टार जैस्मिन, स्टार जैस्मिन भी एक फ्रेग्रेंट प्लांट है, ये भी जैस्मिन की वैरायटी है और इसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं, हर ब्रांच पे अलग अलग बंचेस होते हैं जिसमें ढेरों फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत अच्छी इसमें खुशबू होती है। फिर है ये एंजल ट्रम्पेट वाइन, और ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और इसमें भी फ्रेग्रेंस होता है और इसमें बहुत ही बिग साइज़ का फ्लावर आता है और एक और भी कई सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर है ये मालोती लता, मालोती लता में भी मधुमालती की तरह ही ढेरों फ्लावर्स आते हैं, पर इसमें वाइट कलर के फ्लावर ही आते हैं और इसमें भी खुशबू आती है और ये भी गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही गार्डन में बहुत ही अच्छी खुशबू बिखेरते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है पॉट में लगाने के लिए। और बहुत अच्छा ये प्लांट है, इसको आप लगा सकते हैं इजीली, ये भी एक गमले में लगाया जा सकता है, ये ऐसा प्लांट है। और ये है हरी चंपा, हरी चंपा को भी आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, इसमें भी खुशबू आती है और इसमें झुमके की तरह लटके हुए फ्लावर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं और ये पीले रंग में फ्लावर्स इसके आते हैं, इसमें भी खुशबू होती है और ये भी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स के लिस्ट में आता है ये प्लांट, तो ये बहुत ही खुशबूदार और अच्छा प्लांट है, इसे अपने गार्डन में आप ज़रूर ऐड करें। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी गार्डनिंग।